एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल तड़का विद परिधि एंड भरत। और आप देख रहे हैं ये हमारे होटल का 19th फ्लोर से व्यू। तो अब हम अपने रूम में पहुंच के रेस्ट वेस्ट हमने कर लिया है और जो सुंदर सा व्यू आप पीछे देख रहे हैं, अब हम वहीं पे ही जा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे है ड्रैगन ब्रिज और उसके आगे लगती है एक नाइट मार्केट, तो अभी हमारा प्लान वहीं जाने का है। तो आइए लेके चलते हैं आपको दनांग की लोकल स्ट्रीट्स पे। होटल से निकलते ही हमारे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है और देखो कैसे फुल लॉन स्कूटी है। तो गाइस ठीक हमारे होटल के पीछे ही है ये ड्रैगन ब्रिज। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है दनांग का और ये लाइट चेंज करता रहता है, रात में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और वीकेंड्स पे तो ये इसमें कुछ फायर शो भी होता है। ये ड्रैगन फायर ब्रीथ करता है और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ होती है। आज तो खाली है बिल्कुल, पर वीकेंड्स पे काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ का। तो गाइज वो है पीछे ड्रैगन ब्रिज और ठीक उसके सामने है ये मार्केट और बहुत ही सुंदर है। वियतनाम में जैसे हर जगह लाइट्स है, यहाँ पे भी काफी लाइट्स है, तो देखते हैं इस मार्केट में हमें क्या मिलेगा। योगी मार्केट स्टार्ट होते ही अपने फोन के कवर का पता करना। 1000 रुपए कवर लिया, सेम कवर 300 रुपए मिल रहा है। क्या बात कर रहा है, 1000 रुपए का लिया। पिंकी का कवर देखिए, सेम तो अभी योगी ने परिधि ने दो कवर्स पसंद करे आईफोन के और ये बोल रहे हैं दोनों के मिला के 150,000 या 160,000 डोंग और योगी बोल रहे हैं इनसे कि 1 लाख डोंग में दे दो दोनों कवर। तो अब देखते हैं कि क्या योगी कर पाता है या नहीं कर पाता है। नौ लाख का बोल रहे हैं, अभी 1 लाख में तो वो माने नहीं रहे, पर 1,30,000 के हिसाब से भी 450 रुपये के दो कवर है जो कि बुरे नहीं है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-20,000 भी थोड़ा सा कम कर दे। तो भाई योगी ने फाइनली 1,20,000 का दे दिया इसने इसके ऐसे सर पे बैठ के कि भाई तू आज देगा। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए काफी कुछ है इस मार्केट में और स्टार्ट हो गई हमारी लड़कियाँ देखने के लिए। तो अभी योगी का गन्ने का जूस पीने का मन किया तो अभी हम ले रहे हैं 1 ग्लास जूस है 20K डोंग्स का। 20,000 के डोंग्स कितने हो गए भाई एनआर में, 80 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे 11 बजे मार्केट बंद हो जाती है और 11 बज गए तो मार्केट बंद हो गई इसलिए हम निकल गए। अब हम ऐसे ही मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे हो ची मिन्ह में। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग नहा धो के रेडी हैं और अभी हमारी फ्लाइट है दनांग से हो ची मिन्ह सिटी की 11 बजे और अभी 8 बजे हैं। हम लोग उठ गए थे सुबह 6:45 के आसपास और नहा धो के रेडी हो गए हैं और बस थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करनी है, जो थोड़ा बहुत सामान निकला था क्योंकि हम यहाँ पे तो एक ही दिन रुके थे तो वो पैकिंग करके फटाफट से जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। पर उससे पहले मैं आपको अपने रूम से व्यू दिखाता हूँ कि सुबह का व्यू कैसा है यहाँ। तो गाइस ये इनका टीको रेस्टोरेंट है और स्मेल तो गजब ही आ रही है। मतलब
मैंने ना इनसे वेजिटेरियन नूडल्स मंगाई थी और इन्होंने जो है ये सूपी नूडल्स ही करके दे दिए हैं और साथ में दे दिए ये चॉपस्टिक्स। अब इससे मैंने काफ़ी टाइम लगाया खाने में, 15 मिनट में एक ब्रोकली खाई गई इससे। और मामला ऐसा है कि अब मंगाई तो मैंने योगी के लिए थी कि वेजिटेरियन है, और इन्होंने यहाँ के सालों ने फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया और ये मेरे आगे रख दिया खत्म करने को। तो गाइस समय आ गया है हो ची मिन्ह जाने का और पिंकी को इतना लटकाया है हमने कि हो ची मिन्ह से शॉपिंग करेंगे, हो ची मिन्ह से शॉपिंग करेंगे, और फाइनली वो दिन आ गया है। तो कितनी खुशी है तुझे? वहाँ जाके पता चलेगा, नहीं मिला तो एक तो तोड़ूंगी तुझे। टाटा बाय बाय टू वेंडा होटल, और सामने लगेज रखा जा रहा है। गाइस हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। तो गाइस हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और ये थी हमारी राइड एयरपोर्ट तक की, और ये रहा इनका एयरपोर्ट। तो गाइस जो ग्रैब वाला था उसने हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतार दिया और अब हम जा रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, वैसे ही हम थोड़े लेट चल रहे थे, और अब हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं पैदल पैदल। पर फिर भी ऐसे डोमेस्टिक में एक घंटे में भी काम तो हो ही जाता है चेकिंग का, 1 घंटा है अभी हमारे पास। पर हमें ये था कि थोड़ा कभी एयरपोर्ट पे कुछ लगेज वगैरह कम ज़्यादा हो, इधर उधर करना हो, और इन लोगों की लैंग्वेज में भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। हम सोचे थे थोड़ा टाइम से पहुँचे, और अच्छा ही हुआ ना, थोड़ा सा तो टाइम से आए तो इधर से उधर जाने का मौका तो मिल गया ना। तो गाइस ये भीड़ से पता लग रहा है कि अब हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं, पर यहाँ फुल ऑन भीड़ है। यहाँ एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई भी चेकिंग नहीं हुई हमारी, हम सीधा एंट्री कर गए। तो गाइस ये यहाँ पे चेक इन की लाइन है। हमारा चेक इन हो गया है और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल गया है, और यहाँ ये पीछे इमिग्रेशन की लाइन है और यहाँ पे अब इमिग्रेशन होगा। तो गाइस हम लोगों ने चेक इन कर लिया था, इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथली हो गया, और उसके बाद सिक्योरिटी चेक में भी कुछ टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5-10 मिनट में हमारे ये सारे काम हो गए। और सिक्योरिटी चेक में ये लोग ना कुछ भी मतलब ऐसे 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 करके चेक नहीं करते, ये जो भी आइटम है सब उतरवा लेते हैं। इन्होंने जूते उते बेल्ट वगैरह सब घड़ी वड़ी सब उतरवा ली थी, और स्मूथली हो गया। अब उसके बाद हम अपने गेट के पास आके बैठ गए हैं, अभी टाइम है फ्लाइट में 1/2 घंटे का। तो गाइज हम इस बस से जाएंगे अपनी फ्लाइट के लिए। गाइस हम लोग आ गए हैं अपने प्लेन में, और मतलब पूरा फुल पैक लग रहा है। 1.25 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है, और वेजेट एयरवेज की वो जैसे मैंने आपको बताया था बजट एयरलाइंस है, सेम एयरक्राफ्ट ही लग रहा है जिसमें हम दिल्ली से हनोई आए थे, तो ये सेम एयरक्राफ्ट ही है। और ये हमने फ़्लाइट बुक कराई थी 3600 पर पर्सन में, और सेम लगेज भी वैसे ही था, विदाउट लगेज थी। 3600 में हमारा लगेज भी हमने इंक्लूड किया था, और चेक इन के टाइम पे हमारा लगेज में थोड़ा सा 4-5 किलो ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए भी ज़्यादा हैसल नहीं किया, एडजस्ट कर दिया चारों का मिला के उन्होंने देख के। 2-3 किलो उसके बाद भी फालतू हो रहा था, उन्होंने बगैर कोई दिक्कत के उन्होंने हमें रेडी टू गो कर दिया। हमारी फ़्लाइट जो है बिल्कुल टाइम से लैंड करी है, और उतरते ही एकदम बारिश शुरू हो गई थी, तो फटाफट से हम लोग अपना हैंड लगेज लेके अंदर टर्मिनल में आए।
अभी वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट लगने हैं यहाँ पे लगे जाने के लिए। छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत छोटा टर्मिनल है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, एक दो कार रेंटल वाली शॉप्स हैं और साथ में एयरलाइंस की मिसिंग लगेज वाली शॉप्स हैं। तो जैसे हमारा लगेज आता है और हमने चेक कर लिया, हमारे होटल तक की जो टैक्सी है ग्रैब पे 1,44,000 की मिल रही है और यहाँ काउंटर से पूछा था तो 2,50,000 डॉन्स की थी। तो जैसे हमारा लगेज आएगा तो फिर हम ग्रैब से बुक कर लेंगे और फिर निकलेंगे अपने होटल की तरफ। तो गाइज हमें 20 मिनट लग गए, मतलब इन्होंने बोला था 1:05 पे आ जाएगा लगेज और 1:25 हो गए और लगेज अब जाके आया है। अब हम अपनी ग्रैब बुक करवा रहे हैं फिर जा रहे हैं सीधा होटल। गाइज हमें कैब मिल गई है, हम अपने होटल पहुंच गए हैं, ये है हमारा होटल। तो गाइस हम अपने होटल पहुंच गए हैं और हम अपना चेक इन करवा रहे हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।